आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मऊ जिले के इटौरा चौबीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का कल अंतिम दिवस था, जिसमें कथावाचिका सुश्री अनुराधा तिवारी जी द्वारा राजा परीक्षित के मोक्ष का विवरण, भगवान का सुरधाम गमन और सुदामा जी के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया गया। भक्तों में रोज की भांति उत्साह और संख्या में अधिकता दिखाई दी। कल की आरती ग्राम पंचायत प्रधान इटौरा चौबेपुर अजय जायसवाल, अरविंद सिंह पूर्व प्रधान इटौरा चौबेपुर चंद्रशेखर सिंह, गोपाल सिंह द्वारा की गई। कल के प्रसाद की संपूर्ण जिम्मेदारी नागेंद्र चतुर्वेदी इटौरा चौबेपुर द्वारा ली गई थी। कल के संबोधन का कार्य सीताराम मिश्र द्वारा किया गया और बार बार भक्तजनों से आग्रह किया गया कि कल प्रातः 10 बजे महाप्रसाद में सभी भक्तजन उपस्थित होकर महाप्रसाद का आनंद ले एवं इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का कार्य अरविंद सिंह सिसोदिया एवं उनके सहयोगी सुशील चौबे, धीरेन्द्र यादव, दीपक पाल, पंकज पाल इत्यादि लोग रहे। इस 9 दिन की कथा में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। इस सराहनीय कार्यों के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक इंद्रासन पाल द्वारा बार बार सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भक्तगणों से कल के महाप्रसाद वितरण में आने का बार बार आग्रह किया गया एवं सभी ग्रामवासियों को संयोजक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। Yeah,
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।